झारखंड में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, नहीं टलेगी पंचायत चुनाव। झारखंड के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना, रांची, देवघर, दुमका, गोड्डा में रहेगा प्रभावित। कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई शुरू, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। कुख्यात PLFI उग्रवादी लाका पहान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, मरहू थाना क्षेत्र के इंदी पीड़ा कोटा जंगल में पुलिस और PLFI उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एरिया कमांडर लाका पहान मारा गया। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बड़ा बयान, बीज उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है ताकि अधिक से अधिक पैदावार हो सके और किसान समृद्ध बने। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भ्रष्टाचार पर CM योगी की बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन DM गाजियाबाद निधि केसरवानी को निलंबित किया गया। उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेप केस पर ADG कानपुर जोन भानु भास्कर ने पाली थाने के सभी पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेप केस पर सियासत तेज, अखिलेश ललितपुर रवाना, प्रियंका संजय ने भी UP सरकार पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, ये साधु संतों की नगरी है, इकबाल अंसारी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड पहुंचे मुख्यमंत्री योगी अपने घर, मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बिहार पटना में जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार को घेरा है, ट्विटर हैंडल के जरिए तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और कहा मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी छटपटा रहे हैं, साथ ही जिस तरीके से तेजस्वी भूमिहारों के साथ जा रहे हैं उसको लेकर मंत्री आलोक रंजन ने आज सहयोग के दौरान कहा है कि एक समय था जब लालू प्रसाद यादव पूरा बाल साफ करो का नारा देते थे और अब तेजस्वी यादव उनके उलट काम कर रहे हैं। बिहार राज्य में शराब मामलों में लंबित मुकदमों को जल्द निपटाने की तैयारी में मद्य निषेध विभाग जुट गई। भागलपुर में जदयू के MLA और MP इन दिनों कई कारणों से हैं सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर खूब हो रहा वीडियो वायरल। भागलपुर में LIC में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के खिलाफ स्थानीय तिलका मांझी चौक पर ACT II ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल, हमेशा विवादों में रहने वाला अस्पताल, एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी उषा कुमारी का घूस मांगने का ऑडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा नई पार्टी बनाने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने निशाना साधा है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा सरकार सिर्फ कानून बदलने का काम कर रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। अब देखिए, इनकी शराबबंदी हम लोगों ने सभी मिलजुल के किया था, लेकिन इनके पदाधिकारी जो सरकार के पदाधिकारी हैं ये बिल्कुल शराब माफियाओं से मिलके शराबबंदी लागू नहीं होने दिए। सब जगह शराबी मिल रही है और शराब के आड़ में जहरीली शराबी बिक रही है, जो मौतें हो रही है। रोज़ नई नई नीति बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया जो शराब पिए वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। तो सवाल है कि आपके पूरे देश में लागू है नहीं शराबबंदी। भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र अभिया गांव के इस शादी में बिना आमंत्रण के ही हजारों लोग शामिल हुए और दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी लेने में मस्त हुए लोग। भागलपुर में मारवाड़ी कॉलेज मैदान में आज से होमगार्ड के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई। 4 मई से 16 मई तक मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षण चलेगा। भागलपुर में एक तरफ जहां तमंचे पर डिस्को, वहीं दूसरी ओर वीडियो बनाने को लेकर हुई झड़प। लंदन पहुंचा महाराष्ट्र का हनुमान चालीसा विवाद, हिंदू संगठनों ने की अघाड़ी सरकार की आलोचना। बर्लिन में भारतीयों को PM मोदी का संबोधन, कहा आज के भारत की ताकत है स्कोप, स्पीड और स्केल। रूस यूक्रेन टेंशन पर PM मोदी ने कहा कोई विजय नहीं होगा, फौरन युद्ध विराम होना चाहिए। PM मोदी ने जर्मन चांसलर आल्फ
सॉल्स के साथ बैठक की, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। महंगाई के आगे आरबीआई बेबस, रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, घर और कार की बढ़ेगी ईएमआई। यूपी गैंगरेप की शिकायत करने पहुंची बच्ची से एसएचओ ने किया रेप, सभी थाना कर्मियों पर कार्रवाई। आरबीआई अनाउंसमेंट के बाद शेयर बाजार नीचे गिरा, सेंसेक्स 1300 अंक लुढ़क कर 55,734 पर पहुंचा। मई 2022 में लग रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। पुरुषों के बाद अब महिलाओं के आईपीएल में मचेगी धूम। ट्विटर के बाद अब कोको कोला खरीदेंगे एलन मस्क, ट्वीट के बाद मची खलबली। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग, कई लोग हुए घायल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर तेजी से बढ़ने का किया आह्वान। बच्चों के भविष्य को सवारने का आ गया मौका। जीजस मैरी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया हो गई शुरू। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित बेहतरीन शिक्षा से आपके बच्चे बनेंगे स्मार्ट। बच्चों का आधार होगा मजबूत, तभी तो सुनहरा कल गढ़ा जाएगा। नर्सरी से दसवीं तक में करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का एडमिशन, तो टेंशन क्यों लेना, आज ही संपर्क करें जीजस मैरी कॉन्वेंट स्कूल, जहां आपको मिलेगी हॉस्टल की भी सुविधा। तो जल्दी करें, हमारा पता है सर्कल चौक गुड्डा। A preschool is the first step and it sets a foundation for your kids' brighter future, where they're away from their family for the first time. So at Bachpan, we make sure kids are comfortable and are taken care of. Bachpan, they get so much more than just the basic education. They learn about the importance of friendship. They build important friendships. They learn about sharing and caring and so much more. Bachpan school includes smart classes, mini theaters for interactive sessions, a well-designed gym arena, a dollhouse, an art and craft room, and so much more. With smart classes and smart teachers, your kids will have the bachpan they deserve. Kyunki bachpan sirf ek baar aata hai. आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। क्या आप 10 से 20,000 रुपए महीना अपने घर पर रहकर कमाना चाहते हैं? तो खोलें मिनी बैंक, अपने एरिया के लोगों को दें बैंकिंग सर्विस, सभी बैंकों का आधार कार्ड से निकासी, एटीएम से निकासी, सभी कंपनियों के मोबाइल, डीटीएच, रिचार्ज, पैन कार्ड जैसे अनेकों सर्विस। सीएसपी आईडी के लिए कॉल करें 7726006565 पर।